हेलो फ्यूचरप्रेन्योर्स, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इमरजेंसी में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये है बहुत लिमिटेड बंदों के लिए, फ्रेट फॉरवर्डर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए जो शिपिंग बिल वगैरह फाइल करते हैं। एक्चुअली शिपिंग बिल फाइल करते टाइम ना एक प्रॉब्लम आती है, IC पैन नॉट मैचिंग विथ GST पैन। ये बहुत कभी कभार आती है, 99% में नहीं आती, 1% केसेस ऐसे होते हैं जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हैं ड्यूरिंग एक्सपोर्ट, तो ये वाला नैक निकल के आता है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, और लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। एक्चुअली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी करीबन 6-8 महीने पहले, और ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ अभी भी कंटिन्यू होती है। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि मेरे पे ना GST पे मैंने एक कमेंट डाला हुआ था कि आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम एंड आई मैनेज टू रिजॉल्व इट। उस कमेंट को देख के मेरे को बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं और पूछते हैं कि यार आप लोगों ने आपने किया कैसा। तो मैं सोचूँ यार मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूँ, बार बार कॉल भी नहीं आएंगे, मैं भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। कई बार मैं एयरपोर्ट पर रहता हूँ तो वहाँ नेटवर्क इशू रहता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ डिले हो, किसी को मेरे को कोई मेरे को कॉल करे और कॉल ना मिले। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दूँ इसके ऊपर, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो इसमें होता ये है, एक्चुअली पता है प्रॉब्लम ये है, जब आप GST इशू करते हैं और GST नंबर जो है आपका ISGATE यानी जो कस्टम की वेबसाइट है उसके साथ लिंक नहीं होता, तो ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है कि ड्रॉबैक का सीन रहता है, तो ड्रॉबैक जो होता है वो सीधा बैंक अकाउंट में आता है, तो उसके लिए AD कोड वगैरह सारा लिंक होना। ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ये GST वालों की तरफ से, GST की बैकएंड टीम है वो GST नंबर को ISGATE के साथ लिंक करती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको करना कैसे होता है, मैंने किस तरीके से किया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम निकल के आई थी। तो मैंने सबसे पहले किया ये था, मैं तो सब जगह पे पूछा था, मैंने अपने जितने जानने वाले शिपिंग बिल फाइल करने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर जितने फॉरवर्डर्स थे सबसे पूछा था, कुछ निकल के नहीं आया था कि करना कैसे हैं। तो मैंने ISGATE में कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया, DGFT में कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया, बट GST वालों ने बताया कि आपको ऐसा करना है कि GST पोर्टल में जाके नॉन कोर में जाके आपको सर्विसेज में जाके नॉन कोर में जाके अपना IC कोड अपडेट करना है, और उसके बाद एक टिकट ट्रेस करना है GST ग्रेवियंसेस में जाके, और फिर उस पर फॉलोअप करना है। मैंने सेम किया था और मेरे को करीबन 14 दिन लग गए थे, 14th डे की रात को ये मेरे पे अपडेशन का मैसेज आया था कि हाँ भाई आपका अपडेट हो गया है, तो आप अब शिपिंग बिल फाइल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने सारा प्रोसेस किया कैसे था, और आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं इनकेस आप ना जब कभी भी नया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने से पहले आप ISGATE की वेबसाइट में जाके इसको क्रॉस चेक कर लेना कि आपका जो GST नंबर है वो ISGATE के साथ लिंक है कि नहीं है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि इसमें करना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो अपने को क्रोम ओपन करना है, क्रोम ओपन हो गया, GST की वेबसाइट पे जाना है, gst.gov.in, फिर वहाँ पे जाना है, अपने को लॉगिन करना है, लॉगिन में कर लेता हूँ। आपको अपना वाला लॉगिन करना है, मेरा वाला नहीं। कैप्चा डालना है, ये हो गया अपना लॉगिन। अब यहाँ पे जाना है मेरे को सर्विसेज में, सर्विसेज में फिर नॉन कोर अमेंडमेंट्स में, नॉन कोर अमेंडमेंट्स में जाके अपना जो ये टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना इंपोर्टर एक्सपोर्टर को सिलेक्ट करके अपना IC कोड डालना है, यहाँ पे IC कोड डाल के डेट ऑफ IC कोड डालना है, ऐड करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब यहाँ से लॉग आउट करना है अपने को, ये मैंने लॉग आउट कर दिया। अब जाना है दोबारा, आप दोबारा GOV होम पेज पे खोलेंगे अपना, देखिए दोबारा खोल रहा हूँ मैं gst.gov.in दोबारा खोल लिया मैंने। अब एकदम नीचे जाना है राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा ये ग्रेवियंसेस वाला कॉलम, वहाँ पे फिर प्रोसीड करना है आपको, प्रोसीड करके रिपोर्ट अ कंप्लेन करना है। टाइप ऑफ कंप्लेन में आप नॉन कोर डाल देना, नॉन कोर अमेंडमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे नीचे, जेंडर नॉन कोर। अब यहाँ पे यस आई वांट टू अपलोड माय कंप्लेन, यहाँ पे आपको अपना GST नंबर वगैरह डालना है सारा, नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड,
और यहाँ पे आपको सारा अपना जो इशू है उसको एक्सप्लेन कर देना, जो आपने अभी अमेंडमेंट किया है वो भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और जो भी आपको इशू हो रहा है अब उनको बता देना कि इसको लिंक नहीं है करके, सारा एक्सप्लेन कर देना इनको। यहाँ पे वो अमेंडमेंट का जो है अपना वो नैक का अटैच कर देना आपको फाइल, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का सबमिट कर देना है आपको। यहाँ से आपका टिकट नंबर रेज हो जाएगा, इतना ही करना है, इसके बाद आपको फॉलो अप करना है। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको क्रॉस चेक कैसे करना है इस गेट में। तो चलिए देखते हैं कि अब इसको अपने GST को क्रॉस चेक कैसे करना है। सबसे पहले क्रोम में जाना है अपने, और टाइप करना है sgate.gov.in, इसको उठा दीजिए। देखिए हमारे मोदी जी कितने अच्छे लग रहे हैं। हमें जाना है सर्विसेज के, देखिए सर्विसेज वाला कॉलम, इसका सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा आपका कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर पे जाना है, कैप्चा डालना है यहाँ पे, सबमिट, GST IN इंक्वायरी लास्ट वाला ऑप्शन एकदम। यहाँ पे अपना GST नंबर डालिए। देखिए मैं अपना पुराना एक बंदे का नंबर डाल के दिखाता हूँ, ये वही बंदा जिसका मैंने GST अमेंडमेंट किया था लास्ट टाइम। इस बंदे का भी, इस क्लाइंट का भी हमारा GST नंबर जो था वो लिंक नहीं था, जो मैंने डाल दिया GST नंबर, और ये आपका भी आ जाएगा लिखा हुआ GST IN एट्रियास इंडस्ट्री ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड इज़ अवेलेबल विद कस्टम। ये जो ग्रीन में इज़ अवेलेबल विद कस्टम लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जिसका आप चेक करेंगे, अगर आपका लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे GST IN आपका आपका नाम, मतलब आपकी फर्म का नाम, और ये नीचे लिखा हुआ है इज़ नॉट अवेलेबल विद कस्टम। सो ये जगह, ये वो जगह है जहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इनकेस आप पहली बारी शिपिंग बिल फाइल कर रहे हैं, तो शिपिंग बिल फाइल करने से पहले एक बारी ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो GST नंबर है वो ISGATE के साथ लिंक है कि नहीं है, तो बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। पता लगे आपने सारा स्टफिंग कर दिया, आपका माल निकल गया, वेयर हाउस में पड़ा है किसी के, तो ये सारा प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। इसी तरीके से मैंने भी किया था, आप भी करिए, और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप GST वालों के साथ फॉलोअप में रहें, उनको पुश करें कि भाई मेरा ये जो GST नंबर है इसको मेरे ISGATE के साथ लिंक कर दो, क्योंकि सब कुछ जो है उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं की बैकएंड टीम करती है। ISGATE भी कुछ नहीं कर सकता, DGFT भी कुछ नहीं कर सकता। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। जैसे मैंने किया था मैंने आपको बता दिया, और यार मेरी इस, अगर आपको हाँ अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दूसरे एक्सपोर्टर्स या दूसरे फॉरवर्डर्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस डालता रहता हूँ रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मैं ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ, मैं क्लियरेंस कराता हूँ एयरपोर्ट में, तुगलकाबाद पोर्ट में, बबड़गंज पोर्ट में। सो आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छी नॉलेज दे पाऊँगा आगे फ्यूचर में भी, जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं नए नए, आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्या डिजिटाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से हमारे मोदी जी किस चीज़ के पीछे पड़े हैं, उन सब के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपांकर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।